हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंश डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ बिल कि जो इंडियन पार्लियामेंट होता है उसमें कितने टाइप के बिल्स होते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर चार टाइप्स के बिल होते हैं। सबसे पहला आता है मनी बिल, उसके बाद फाइनेंस बिल, थर्ड जो होता है वो ऑर्डिनरी बिल, और जो फोर्थ होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो अभी हमारे पास टोटल चार टाइप्स के बिल होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है हमारे पास मनी बिल, सेकंड होता है फाइनेंस बिल या फाइनेंशियल बिल भी बोलते हैं इसको, थर्ड होता है ऑर्डिनरी बिल, और फोर्थ होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो सबसे पहले बात करते हैं मनी बिल की। तो मनी बिल का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे हुआ है? तो मनी बिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 110 के अंडर बताया गया है कि जो हमारा आर्टिकल 110 है उसके अंडर बताया गया है कि मनी बिल क्या होता है, किस तरीके से इसको पेश किया जाता है, किस तरह से ये पास होता है, फिर लो बनता है, उसके बारे में सारी जानकारी ये आर्टिकल 110 के अंडर बताया गया है। इसमें कोई भी बिल, मनी बिल कब बनेगा? अगर जो लोकसभा का स्पीकर है, अगर लोकसभा का स्पीकर किसी बिल को एक मनी बिल डिक्लेयर करता है तो ही वो बिल मनी बिल माना जाएगा, अदरवाइज वो बिल मनी बिल नहीं माना जाएगा। इसके बाद ये इंट्रोड्यूस कहाँ पे किया जा सकता है, या भी यानी कहाँ पे पेश किया जा सकता है? तो ये लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ही पेश किया जा सकता है। और लोअर हाउस होता है हमारा लोकसभा, यानी जो हमारा मनी बिल होता है वो मनी बिल सिर्फ लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, इसको हम राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते। अब इसको पास होने के लिए मेजोरिटी कितनी चाहिए? तो इसकी सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। सिंपल मेजोरिटी होता है 50% + 1, यानी अगर 50% + 1 वोट्स उस बिल को मिल रही है तो वो बिल लोकसभा से पास हो जाएगा। जब वो लोकसभा से पास हो जाएगा तो लोकसभा से पास होने के बाद वो अपर हाउस में जाएगा, यानी कि राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में गया तो राज्यसभा में भी उसको सिंपल मेजोरिटी से ही पास होना होगा, और इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का टाइम मिलता है, यानी 14 डेज का उसको टाइम मिलता है राज्यसभा को कि उस बिल के बारे में जो भी उनको डिस्कशन करना है वो डिस्कशन कर ले और उसके बाद बिल को पास कर दे। अगर राज्यसभा 14 डेज में यानी 14 दिन में उस बिल को पास नहीं करता है तो बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। ठीक है, कि अगर राज्यसभा या तो उसको खुद से ही पास कर दे, अगर वो पास नहीं करता है तो 14 डेज के अंडर वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, और पास होने के बाद वो जो मनी बिल है हमारा वो दोनों हाउस से पास हो गया, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गया। पास होने के बाद वो हमारे प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और जैसे ही प्रेसिडेंट का साइन होगा, तो प्रेसिडेंट का साइन होने के बाद वो जो बिल था वो बिल पास होके प्रेसिडेंट के साइन के बाद वो लॉ बन जाएगा, या उसको एक्ट भी बोल सकते हैं, एक्ट बन जाएगा। ठीक है, और ये पार्लियामेंट में कब पेश किया जाता है? ये पार्लियामेंट में पेश किया जाता है ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
यानी जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको रिकमेंड करेंगे तभी वो पेश किया जा सकता है, बिना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के उसको हम पेश भी नहीं कर सकते। और जब पेश करेंगे तो सबसे पहले उसको लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पेश करेंगे, यानी लोकसभा में पेश करेंगे। लोकसभा में उसको सिंपल मेजोरिटी से पास होना होगा, जो 50% + 1 वोट होता है उससे पास हो गया। उससे पास होने के बाद वो राज्यसभा में जाएगा, यानी अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाएगा। राज्यसभा में उसको 14 डेज़ का टाइम मिलता है कि 14 डेज़ में या तो पास कर दो, और अगर वो पास नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। राज्यसभा से पास होने के बाद वो हमारे प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट जैसे ही उस पर साइन कर देंगे तो वो एक लॉ बन जाएगा या एक्ट बन जाएगा। और इसी के साथ जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके पास कोई वीटो पावर नहीं है इसके लिए, कि जैसे हमने पहले पढ़ा है प्रेसिडेंट के पास कुछ वीटो पावर्स होती है, तो मनी बिल के लिए उनके पास कोई वीटो पावर नहीं है। यानी वो उस पर साइन करने से ना ही तो डिनाई कर सकते हैं, ना उसको डिले कर सकते हैं, ना पॉकेट वीटो लगा सकते हैं। तो उनको साइन करना ही पड़ेगा, और जैसे ही वो साइन करते हैं वो हमारा मनी बिल से चेंज होकर मनी लॉ या मनी एक्ट बन जाते हैं। मनी बिल के बाद हमारे पास आता है फाइनेंशियल बिल। अब बात आती है कि फाइनेंशियल बिल का जिक्र कहाँ पे हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र आर्टिकल 117 यानी आर्टिकल 117 में फाइनेंशियल बिल के बारे में जिक्र हुआ है। अब फाइनेंशियल बिल में क्या होता है, फाइनेंशियल बिल और मनी बिल इन दोनों में एक ही डिफरेंस होता है, प्रोविजंस दोनों के सेम होते हैं, लेकिन जिस बिल को लोकसभा स्पीकर मनी बिल डिक्लेयर कर देते हैं वो बिल मनी बिल हो जाता है, और जिसको वो मनी बिल डिक्लेयर नहीं करते हैं वो फाइनेंस बिल के अंडर आ जाता है। यानी दोनों में सेम प्रोविजंस रहते हैं कि जिस भी बारे में बात चल रही है वो दोनों में सेम ही बात होगी, जिस चीज़ के बारे में डिस्कशन करना है वो सेम चीज़ होगी, लेकिन सिर्फ ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको मनी बिल डिक्लेयर करते हैं या उसको फाइनेंशियल बिल डिक्लेयर करते हैं। जैसे ही वो मनी बिल डिक्लेयर करेगा वो आर्टिकल 110 के अंडर चला जाएगा जो हमने अभी पढ़ा है, और अगर वो उसको फाइनेंशियल बिल डिक्लेयर करते हैं तो वो आर्टिकल 117 के अंडर चला जाएगा। अब इसके बाद बात आती है कि फाइनेंशियल बिल में क्या क्या होता है। तो फाइनेंशियल बिल को हम लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा लोअर हाउस है उसी में ही पेश कर सकते हैं, हम इसको राज्यसभा में नहीं कर सकते, सिर्फ लोकसभा में हम इसको पेश करेंगे। लोकसभा में उसको सिंपल मेजोरिटी से पास होना होगा। जैसे ही वो सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा से पास हो गया उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अपर हाउस में गया वहाँ पे भी उसको सिंपल मेजोरिटी से ही पास होना है। राज्यसभा से पास हो गया सिंपल मेजोरिटी के साथ, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट का जैसे ही उस पर साइन होता है तो प्रेसिडेंट के साइन के बाद वो लॉ बन जाएगा या एक्ट बन जाएगा, ठीक, आर्टिकल 117। तो इसमें हमने देखा फाइनेंशियल बिल के बारे में ये जिक्र होता है, और ये फुल्ली हमारे लोकसभा स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस बिल को मनी बिल बनाते हैं या फाइनेंशियल बिल बनाते हैं। प्रोविजंस दोनों बिल में सेम होते हैं, बस इतना फ़र्क होता है कि जो मनी बिल है उसको डिक्लेयर कर देते हैं लोकसभा स्पीकर की ये मनी बिल है, अदरवाइज़ वो फाइनेंशियल बिल रहेगा। इसको पेश किया जाता है ओनली इन लोकसभा, इसको राज्यसभा में हम पेश नहीं कर सकते। लोकसभा से सिंपल मेजोरिटी के साथ पास होना पड़ेगा, यानी 50% + 1 वोट से उसको पास होना पड़ेगा। लोकसभा से पास हो जाएगा वो राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा में भी सिंपल मेजोरिटी से पास होना होगा। जब राज्यसभा से पास हो गया तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। जैसे ही प्रेसिडेंट से पास हुआ यानी प्रेसिडेंट ने उस पर साइन किया तो प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद वो लॉ बन जाएगा। और फाइनेंशियल बिल में एक चीज़ और होती है कि जिस दिन वो लोकसभा में पेश हुआ है तो उसके 75 डेज़ के अंदर अंदर उसको राज्यसभा से भी पास होके प्रेसिडेंट के पास जाके साइन हो जाना है। यानी 75 डेज़ के अंदर जिस दिन वो लोकसभा में पेश हुआ है उस दिन से लेके 75 डेज़ के अंदर अंदर वो हमारा जो बिल है वो बिल ना रह के लॉ बन जाना चाहिए।
अभी हमने मनी बिल पढ़ लिया, फाइनेंशियल बिल पढ़ लिया, तो थर्ड आता है हमारे पास ऑर्डिनरी बिल। अब ऑर्डिनरी बिल का जिक्र कहाँ पे हुआ है, तो ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात हुई है आर्टिकल 107 और 108 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हमारा संविधान है उसका अनुच्छेद 107 और 108 में ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात हुई है। तो ऑर्डिनरी बिल में क्या प्रोविजंस होते हैं, तो ऑर्डिनरी बिल में जो प्रोविजंस होते हैं, तो ऑल प्रोविजंस एक्सेप्ट मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल। तो हमारे ऑर्डिनरी बिल में जितने भी प्रोविजंस है, जो मनी बिल है और फाइनेंशियल बिल है, तो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के अलावा जितने भी प्रोविजंस है वो सारे प्रोविजंस हमारे ऑर्डिनरी बिल के अंडर आते हैं। इसको हमें पेश करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है, कि इसको हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन के बिना भी हम इसको पेश कर सकते हैं, और इसको हम इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पेश कर सकते हैं, यानी जब हम चाहें तो इसको लोकसभा में पेश कर सकते हैं और चाहें तो इसको राज्यसभा में पेश कर सकते हैं। यानी मान लीजिए कि हमने इसको लोकसभा में पेश किया है, ठीक है, लोकसभा में पेश होने के बाद सिंपल मेजोरिटी से पास होना होगा इसको भी, यानी वही 50% प्लस वन ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग, 50% प्लस वन से पास हो गया, उसके बाद वो राज्यसभा में गया और राज्यसभा के पास 60 days का टाइम होता है उसको पास करने के लिए, और 60 days के बाद जैसे वो पास हो जाएगा वो हमारे प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देंगे, और वो साइन होने के बाद बिल से लॉ या एक्ट बन जाएगा। अब जो हमारे प्रेसिडेंट है वो इस पर वीटो लगा सकते हैं, कौन सी वीटो लगाएंगे, वो उस पर सस्पेंसिव वीटो लगा सकते हैं, सस्पेंसिव वीटो लगा सकते हैं, जिसमें होता है कि जो बिल आया है पास होके दोनों हाउस से पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास आया है, तो प्रेसिडेंट इसको वापस भेज सकते हैं कि इसमें कुछ चेंज करिए, और वो फिर लोकसभा के ऊपर है यानी और राज्यसभा के ऊपर है, जो हमारा पार्लियामेंट है पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसमें कुछ चेंज करते हैं या नहीं करते हैं, और जैसे ही वो चेंज होता है या नहीं होता है उसके बाद वो दोबारा अगर प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट को दोबारा उस पर साइन करना पड़ेगा, दोबारा साइन करने के बाद वो लॉ या एक्ट बन जाएगा। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारा ये 6 months का टाइम होता है, 6 months, तो अगर किसी भी हाउस से पेश हो गया, लोकसभा में पेश हो गया या फिर राज्यसभा में पेश हो गया, तो जिसमें पहले पेश हुआ उसके बाद वो दूसरे हाउस में जाएगा, जैसे कि लोकसभा या राज्यसभा में, वहाँ पे पेश होने के बाद अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर पास नहीं होता है, तो उस केस में हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो जॉइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं प्रेसिडेंट। अभी तक पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग 4 बार हो चुकी है, 4 बार हो चुकी है, फर्स्ट जो हुई थी 1961 में हुई थी डोरी प्रोहिबिशन के लिए, सेकंड हुई थी 1978 में बैंकिंग सर्विस के लेके, थर्ड हुई थी 2002 में जो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म के लेके, फोर्थ है वो 2008 में हुआ था वुमेन रिजर्वेशन बिल। तो अभी तक हमारे पास 4 जॉइंट सिटिंग हो चुके हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बुलाया था ऑर्डिनरी बिल के केस में, जो फर्स्ट था 1961 में हुआ था डोरी प्रोहिबिशन को लेके, ये बिल पास हो गया था, सेकंड 1978 में हुआ था बैंकिंग सर्विस को लेके, ये भी पास हो गया था,
थर्ड था, 2002 में हुआ था, ये प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म को लेके हुआ था, ये भी पास हो गया था। और जो फोर्थ और लास्ट है हमारा 2008 में वुमेन रिजर्वेशन को लेके, ये पास नहीं हुआ था। तो अभी तक इंडिया के में 4 बार जॉइंट सिटिंग हो चुकी है पार्लियामेंट की, और चारों बार में 3 बार पास हो चुका है, 1 बार पास नहीं हुआ है बिल। और जो ये जॉइंट सिटिंग है इसके बारे में अगर बात करते हैं कि इसका जिक्र कहाँ पे है, तो ये आर्टिकल 108 में इसके बारे में बताया गया है कि पार्लियामेंट अगर उस बिल को 6 मंथ्स के अंडर पास नहीं करता है और ना ही उसको बिल को फेल करता है, तो उस केस में जो हमारे प्रेसिडेंट है वो जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। और अभी तक हमने देखा कि 4 बार जॉइंट सिटिंग हो चुकी है। मनी बिल के बारे में पढ़ लिया है, फाइनेंशियल बिल भी हमने देख लिया, ऑर्डिनरी बिल देख लिया, लास्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब किया जाता है, जब हमें लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज होना चाहिए और चेंज होकर कुछ अच्छा बनना चाहिए, उस केस में हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल करते हैं। और इसका जिक्र भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है आर्टिकल 368 में, जो अनुच्छेद 368 है उसमें इस बारे में बताया गया है कि संविधान संशोधन भी हम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, अगर पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि संशोधन होना चाहिए तो उस केस में हम एक संशोधन बिल पेश करके उसको पास करने के बाद हम संशोधन कर सकते हैं। इसमें हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनका रिकमेंडेशन होना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद होता है कि इसको पेश कहाँ कर सकते हैं, तो हम इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी किसी भी हाउस में पेश कर सकते हैं। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा किसी भी हाउस में पेश कर सकते हैं, और वहाँ से अभी तक जैसे हमने देखा कि मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल है या फिर ऑर्डिनरी बिल है, तीनों सिंपल मेजोरिटी से पास होते थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में हमें इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा। और स्पेशल मेजोरिटी होता है 2/3 वोटिंग, यानी जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उनका 2/3 होना चाहिए, उससे कम में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो पास नहीं होगा। पहले वो एक हाउस से हो गया, यानी मान लीजिए पहले लोकसभा से हुआ स्पेशल मेजोरिटी, देन राज्यसभा में गया, राज्यसभा में भी स्पेशल मेजोरिटी, राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होने के बाद वो हमारे प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट के साइन के बाद वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ना रह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी केस में हमारे जैसे एक हाउस है जो पहले वाला हाउस है जिसमें पहले पेश किया था हमने बिल को, वो उस बिल को पास कर देता है, और अगर दूसरा वाला बिल है, दूसरा हाउस है, वो उस बिल को पास नहीं करता है, तो उस केस में इस चीज़ में जो हमारे प्रेसिडेंट है वो कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं बुला सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि ऑर्डिनरी बिल के केस में हमारे प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुला के उस बिल को आगे पास करा सकते थे, तो वो चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं होती है, कि यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट है वो एक जॉइंट सिटिंग नहीं बुला सकते, और जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाने की वजह से वो बिल वहीं पे लैप्स हो जाएगा। ठीक है, यानी वो बिल वहीं पे फेल हो जाएगा, उसके बाद वो बिल दोबारा से फिर कभी पेश किया जा सकता है, उस टाइम पे उसको दोबारा पेश नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट जैसे ये दोनों हाउस से पास हो गया, उसके बाद प्रेसिडेंट इसको डिनाई नहीं कर सकते कि मैं साइन नहीं करूँगा, और इसके बारे में प्रोविज़न है हमारे 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में, बताया गया है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को साइन करने के लिए, कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में साइन करने से मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने देखा कि
हमारे कितने टाइप्स के बिल होते हैं पार्लियामेंट में, तो देखा कि चार टाइप्स के बिल होते हैं। फर्स्ट होता है मनी बिल, फिर फाइनेंशियल बिल, ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। हमने चारों के बारे में पढ़ा कि उनका उनका जिक्र कहाँ कहाँ पे हुआ है, आर्टिकल हमारे कौन पार्लियामेंट के कौन से आर्टिकल में उनके बारे में जिक्र हुआ है, फिर उसको पेश कैसे किया जा सकता है, प्रेसिडेंट की उसमें परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए, किस तरीके से उसको पेश किया जा सकता है, कितनी मेजोरिटी से उसको पास किया जा सकता है, और प्रेसिडेंट उस पर कोई वीटो लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और नेक्स्ट टाइम के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।